तो व्यूअर्स, क्या आप कंप्यूटर पे कम्युनिकेशन कैसे करते हैं नेटवर्क पे आपको पता है? अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, शॉर्ट में हमने इस वीडियो में बताया है। कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग डेटा, प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स। एक से ज़्यादा कंप्यूटर के बीच में जब हम डेटा को शेयर करते हैं तो वो कंप्यूटर कम्युनिकेशन कहलाता है। एप्लीकेशंस डिपेंड ऑन द कम्युनिकेशन सिस्टम। डिफरेंट एप्लीकेशंस जो होते हैं वो कम्युनिकेशन पे डिपेंड करते हैं, जैसे ईमेल है, टेक्स्टिंग है, कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? कम्युनिकेशन पे। अगर आप ट्रांसफर ही कुछ नहीं कर पाइएगा तो परचेजिंग कैसे करिएगा, लोगों से बात कैसे करिएगा, लोगों को अपने टैक्स कैसे भेजिएगा, अपनी रिपोर्ट्स कैसे भेजिएगा या अपने लेटर्स कैसे भेजिएगा। कनेक्टिविटी यूजेस कंप्यूटर नेटवर्क टू लिंक पीपल्स एंड रिसोर्सेज ऑन नेटवर्क एंड द इंटरनेट। तो कंप्यूटर नेटवर्क पे जो कनेक्शन होता है वो ही पीपल को, आपके रिसोर्सेज को नेटवर्क पे इंटरनेट के थ्रू भेजता है और पीपल को एक दूसरे से जोड़ता है। कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर फोर। अब चार कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स होते हैं, कैसे सेंड किया, कैसे रिसीव किया डिवाइस पे, कनेक्शन कैसे किया है डिवाइस का, डेटा ट्रांसमिशन एंड स्पेसिफिकेशन क्या है, किस तरह से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, एंड कम्युनिकेशन चैनल, किस चैनल से डेटा कम्युनिकेट हो रहा है। तो वो डिपेंड करता है प्रोटोकॉल पे। अब प्रोटोकॉल क्या है? इज अ कम्युनिकेशन रूल फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स। दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा कैसे एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। ये कुछ रूल है, स्टैंडर्ड रूल है ना, तो बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, लोग समझेंगे ही नहीं आपस में एक दूसरे को बात, और जब एक कोई स्टैंडर्ड रूल बन जाएगा तो आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाएगा, इसलिए प्रोटोकॉल यूज होता है। अब प्रोटोकॉल मेन जो दो है वो HTTPS और TCP/IP है। HTTPS इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर। कोई भी वेबसाइट की URL, जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो एड्रेस होता है, उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि HTTPS और www जरूर आता है। तो HTTPS का क्या काम है, वो अपने आपके टेक्स्ट को प्रॉपरली सिक्योरली वन प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफर करता है। और TCP/IP का क्या काम होता है? TCP जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, जो कि ट्रांसमिट लेयर पे काम करता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है जो डेटा ट्रांसमिट करता है TCP, उसके पैकेट्स को प्रॉपरली उस टारगेट पे पहुंचाता है जो जो उसमें मेंशन होता है, और अगर बीच में कोई पैकेट गायब हो जाता है तो फिर से उसको ट्रांसमिट करने को TCP से बोलता है, तो TCP उसको फिर से ट्रांसमिट करता है, तब वो जा करके टारगेट पे फिर से पहुंचता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्नॉलेज करता है कि अब डेटा प्रॉपर पहुंच गया। तो कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम केवल ट्रांसमिशन है प्रॉपर सिक्योर वे से, और इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम उसको उस डोमेन पे पहुंचाना जिसके लिए वो डेटा आया है। नेटवर्क, व्हाट इज अ नेटवर्क? अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्क। अब नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में जुड़े होते हैं तो उसको नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर, अब नेटवर्क बनाने के लिए कुछ आर्किटेक्चर होते हैं, जिसमें पहला है नेटवर्क टोपोलॉजी और दूसरा है नेटवर्क स्ट्रेटेजी। अब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है कि स्पेशल फिजिकल कंप्यूटर्स के जो अरेंजमेंट होते हैं ये, उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। और नेटवर्क स्ट्रेटेजी क्या होती है? हाउ द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज आर शेयर्ड, कैसे इंफॉर्मेशन को कि एक दूसरे के पास भेजा जाए, वो स्ट्रेटेजी जो होती है वो नेटवर्क स्ट्रेटेजी होती है। अब नेटवर्क टोपोलॉजी के बहुत से टाइप्स होते हैं,
रिंग नेटवर्क, ट्री नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, मैश नेटवर्क। रिंग नेटवर्क मतलब एक सर्कल में जो डेटा, जो नेटवर्क, जो कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। और ट्री नेटवर्क मतलब आप ट्री को उल्टा कर दीजिए तो पहले एक रूट आएगी, एक थम उसका तना आएगा, फिर उसके सब रूट्स आएंगे। तो इसी तरह पहले एक मेन रूट कंप्यूटर आता है और उसके फिर सब नेट सब कंप्यूटर्स आते हैं जो उसके लेफ्ट और राइट साइड में ऑर्गेनाइज होते हैं। स्टार नेटवर्क मीन्स है कि एक मेन हब होता है सर्वर और उससे और सारे कनेक्टेड होते हैं। और मैश नेटवर्क मतलब जो हर कंप्यूटर से जुड़ा होता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। मिक्स्ड नेटवर्क भी होता है, दो को मिला के तीन को मिलाकर नेटवर्क बनाया जाता है। तो टोपोलॉजी पे तो पूरा लेसन ही है, अगर उसको डिटेल में पढ़ना तो आप बोलिएगा। नेटवर्क स्ट्रेटजी, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर क्या है? क्लाइंट जो होता है एक मेन सर्वर से जुड़ा होता है, डिफरेंट क्लाइंट मेन सर्वर से जुड़े होते हैं और वो सर्वर जो होता है उनको जो सर्व करता है। और क्लाइंट जो होता है यूटिलिटी लेता है, सर्विस लेता है। पीयर टू पीयर मतलब एक दूसरे से कंप्यूटर जुड़े होते हैं। वैसे तो नेटवर्क लैन, मैन, वैन भी होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ये डिपेंड करता है कि किस रेंज में कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं। नेटवर्क है तो उसकी सिक्योरिटी भी जरूरी है। अब इसमें फायरवॉल जो होता है वो सभी के कंप्यूटर्स में इनबिल्ट है, उसमें आप उसको यूज़ करते हैं। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, कोई आपके कंप्यूटर में एंटर करना चाहता है तो उसको रोकने के लिए डिटेक्शन सिस्टम होता है। और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जब आपका डेटा बहुत अधिक होता है तो ये ज़्यादा सेफ होता है, उसको लोग यूज़ करते हैं, जो प्राइवेट नेटवर्क की तरह होता है तो इसमें कोई आपका डेटा चुरा नहीं सकता है। सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल टुडे अबाउट अ नेटवर्क इन शॉर्ट। If you want anything in detail, please write in a comment. I will describe it to you. Thank you, viewers.